राम राम भाभी जी। तेरी दो बार राम राम। मुझे एक बात बता, तुझे घर में कोई काम नहीं है क्या? ये आप क्या बोल रही हो भाभी जी? ठीक बोल रही हूँ मैं? तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर मुंह उठाकर चली आती हो। भाभी जी, आपसे और भैया से मिलने का दिल कर रहा था, इसीलिए आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ चली आई। अब मेरी बात कान खोल कर सुन तू। हमसे मिलने का तो बहाना है तेरा, पैसे मांगने आई होगी अपने भाई से। मंगती कहीं की? भाभी जी, मैं मंगती नहीं हूँ, मैं हालात की मार ही हूँ। अगर आज गुड्डी के पापा जिंदा होते ना, तो मुझे ये बातें कभी भी नहीं सुननी पड़ती। और भाभी जी, अगर एक बहन ने 500 रुपए अपने भाई से मांग लिया, तो इसका मतलब वो मंगती होगी। वो मेरा भाई है भाभी जी, और अगर मुसीबत के टाइम वो मेरी मदद नहीं करेगा, तो फिर मेरी मदद कौन करेगा भाभी जी? अपनी जबान को बंद कर और फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। आज के बाद इस घर में कदम मत रखियो, चल यहाँ से। भाभी जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मैं भैया से तो मिल लूं, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं। चुपचाप चली जा यहाँ से। अरे बहन कमला, तू कब आई और तू कहाँ जा रही थी? बस भैया, आपको देख लिया ना, इतना ही काफी है। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ भैया। अरे अरे कमला, तू रो क्यों रही है? तेरी भाभी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं भैया, भाभी ने कुछ नहीं कहा। आप ये सब बातें छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि आप ठीक तो है ना, और आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा काम बिल्कुल मस्त चल रहा है। हो गया भरत मिलाप, चल अब निकल यहाँ से। तू ये क्या बकवास कर रही है चमेली? ये मेरी बहन है और मैं तेरी पत्नी हूँ, अब चुपचाप चल अंदर। चमेली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। इसे घर से निकालते हो या फिर मैं जाऊँ? अरे चमेली, तू घर से क्यों जाएगी? ये घर तो तेरा ही है। बहन कमला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इस घर से चली जा, मुझे चैन से रहने दे। और सुन, कभी वापस इस घर में नहीं आना, और ये सोच लेना कि तेरा ये भाई मर गया। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए, मैं खुद ही इस घर से जा रही हूँ। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में मेरे साथ हुआ। भगवान ना करे अगर किसी लड़की पर ऐसी मुसीबत आती है, तो पढ़ी लिखी होने के कारण वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी, अपने परिवार का भरण पोषण वो खुद कर सकती है। कम से कम मेरी तरह वो किसी पे मोहताज तो नहीं होगी ना। और साथ ही साथ एक बात और, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।